किसान भाइयों, आज आप पहुँचे हैं विश्वकर्मा फाउंड्री पर टांडा, जो कि अयोध्या से आगे पड़ता है, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में। और इस कंपनी में आने का कारण है क्योंकि ये कंपनी किसानों के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छे राइस मिल बनाती है। लगभग 35 साल से ये राइस मिल बना रही है। इनका एक अपग्रेड और एक अच्छा मॉडल सामने आया है। कंपनी ने एक अपना एक ऐसा मॉडल तैयार किया है किसानों के लिए जो कि जिसमें कोई शिकायत नहीं है। उस मॉडल का नाम रखा गया है बलवान। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि इसका नाम है बलवान, वैसे इसका काम है बहुत अच्छा काम है। जैसा नाम वैसा काम। और सबसे बड़ी खास बात, इस मशीन में आप देख सकते हैं बॉक्स को भी काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। जो हमारा भूसा वाला बॉक्स होता है उसको काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं इस मशीन में किसान की सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। ये आप देखो, किसान की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। इधर देख सकते हैं इसमें जो फैन लगाया गया है, किसान भाइयों, इसमें जो फैन लगाया गया है वो पूरा एक ढला हुआ फैन है, एक सांचे में तैयार किया हुआ फैन है। ऐसा नहीं है कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके फैन बनाया गया हो, पूरा ढला हुआ फैन लगाया गया है। पूरी विस्तार से इस मशीन की आपको जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी खास बात है, भारत सरकार द्वारा 50% इस मशीन पर आपको सब्सिडी भी मिलने वाली है। और काफ़ी मजबूत मशीन बनाई गई है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके आगे वाले चैनल से। इसमें जो आगे वाला चैनल दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी हैवी चैनल दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये देखो आप, 6 इंच चौड़ा इसमें चैनल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें जो बेल्टें लगाई गई हैं वो काफ़ी अच्छी कंपनी की और काफ़ी मजबूत बेल्टें लगाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और किसान की सुरक्षा का इस मशीन में इतना ध्यान रखा है विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स वालों ने। ये देखो, इधर ये पुली दी गई है तो यहाँ पर भी एक कवर दिया गया है, इधर पुली दी गई है तो यहाँ पे भी कवर दिया गया है। और किसान भाइयों, आपको इस तरह का चलना किसी भी मशीन में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स वालों के बलवान मॉडल में मिलेगा। काफ़ी हैवी चलना दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखो आप, काफ़ी हैवी चलना है। और एलिवेटर आप देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत एलिवेटर बनाया है, ये आप देखो। और सबसे पहले किसान भाइयों, आपके मन में एक सवाल है कि ये मशीन काम कैसे करती हैं, ये कैसे चलती हैं, तो किसान भाइयों आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये काम कैसे करती है। इधर आप देखिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर किसान अपना धान डालता है एलिवेटर के द्वारा, ऊपर को जाके धान इधर इस मशीन में आ जाता है। इस मशीन में जाने के बाद धान से उसकी भूसी को अलग किया जाता है। भूसी को अलग करने के उपरांत भूसी इस बॉक्स में आ जाती है। और जब हमारे धान से भूसी अलग हो जाती है, धान यहाँ इधर से इस एलिवेटर में पुनः आ जाते हैं, जो अब उसके धान पर लगा होता है पॉलिश। अब इस पाइप के द्वारा, इधर ये पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के द्वारा यहाँ पे पॉलिश वाले धान आ जाते हैं, जिससे कि जिसका ये हमारा इधर पॉलिशर आ गया है। पॉलिशर का काम है धान से पॉलिश को अलग करना। धान को पॉलिश से अलग करके इधर आपको देख सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ। ये देखो आप, इधर ये एक पाइप दिया गया है, ये देखो, इस पाइप के द्वारा साइक्लोन में पॉलिश आ जाता है। और इस साइक्लोन के द्वारा ही आप अपना बैग या अपना कट्टा वगैरह पॉलिश से भर सकते हैं, नीचे नहीं जाएगा, डायरेक्ट कट्टे में जाएगा। और आप इधर देख सकते हैं, ये जो पॉलिशर दिया गया है, इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें बरम नहीं लगा हुआ है। बरम न लगने के कारण हमारे ट्रैक्टर पर भी काफ़ी कम लोड पड़ेगा। और किसान भाइयों, अगर इसमें बरम नहीं होगा तो हमारे चावल भी कम टूटेंगे, बिल्कुल आपको फ्रेश चावल निकलेगा, इधर आप देख सकते हैं। और किसान भाइयों, फ्रेश चावल मिलेगा, जिससे कि अगर हमारा किसान भाई इसे ख़रीदता है तो मार्केट में इस मशीन की डिमांड भी ज़्यादा होगी, सब लोग अपने धान की निकासी आपसे ही कराएंगे। और किसान भाइयों, ऊपर आप देख सकते हैं, आपको मैं इनकी क्वालिटी दिखाता हूँ। ये आप देखो, जो इसमें पुली लगाई गई है वे भी काफ़ी हैवी पुली लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। इधर देखो आप, कितनी हैवी पुली लगाई गई हैं, इधर देख सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको बॉक्स भी मैंने दिखा दिया है, ये आप देखो कितना हैवी बॉक्स दिया गया है। इधर देख सकते हैं, काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़ा बॉक्स दिया गया है। बलवान इस मॉडल का नाम रखा गया है, इधर आप देख सकते हैं। और इधर अपनी किसान अपने ही इच्छा अनुसार, ये आप देखो, अपने ट्रैक्टर की क्षमता अनुसार इसमें इसकी से देखो एडजस्ट कर सकता है। ये देखो, इससे एडजस्ट कर सकता है आसानी से, ये देखिए। और किसान भाइयों, काफ़ी हैवी इसमें पुली दी गई हैं, दो पुली दी गई हैं। अगर आप पॉलिशर चलाते हैं तो आपको कुछ कंपनियां सिर्फ एक ही पुली देती है, ये दो पुली देती है, एक पुली इधर हो गई और एक पुली किसान भाइयों ये हो गई, दो इसमें पुली दी गई हैं, जिससे कि
हमारा जो पॉलिशर है इसे एक प्रॉपर दबाव मिलता है, और मशीन में जो भी पार्ट्स लगाया गया है वो ढले हुए पार्ट्स लगाए गए हैं, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं ये भी पूरा ढला हुआ पार्ट्स है। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पार्ट्स बना के बोल्टों के द्वारा इसमें पार्ट्स जोड़े गए हों, ढले हुए पार्ट्स बनाए गए हैं। काफ़ी पुरानी कंपनी है, पुरानी कंपनी पर भरोसा किसान भाई इसलिए करें क्योंकि जो पुरानी कंपनियाँ होती हैं जो जो मशीनों में दिक्कत होती है उन सबको वो देख चुकी होती हैं और उन्हें सुधार चुकी होती हैं। ये इनका बलवान मॉडल एक ऐसा है, इस मशीन में अब कोई भी कमी नहीं रही है, काफ़ी शानदार मॉडल है। और अगर हम बात करें इसमें टायरों की, तो इसमें जो टायर दिए गए हैं वो जेके के टायर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखो आप, इसमें जेके के टायर लगे हुए हैं, जेके टायर एक ब्रांडेड कंपनी के टायर लगे हुए हैं। इधर भी किसान को स्टैंड मिल जाएगा अपना, इस पे सामान रख सकते हैं, अपने जो भूसी वगैरह है, जो आपका पुलिस वगैरह है वो यहाँ पर रख सकते हैं। और किसान भाइयों अब मैं आ जाता हूँ पीटीओ की तरफ, आपको पीटीओ दिखाता हूँ कितनी हैवी पीटीओ इसमें दी गई है। ये देखो आप, काफ़ी हैवी इसमें पीटीओ दी गई है, और जो इसमें बैरिंग का भी इस्तेमाल किया है, एक अच्छी कंपनी और एक ब्रांडेड कंपनी के बैरिंगों का इस्तेमाल किया गया है, इधर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस मशीनों में काफ़ी बैरिंगों का इस्तेमाल होता है। तो विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स वाले एक अच्छी कंपनी का बैरिंग लगाते हैं, जो सबसे बढ़िया कंपनी के बैरिंग इसमें लगे हुए हैं। और किसान भाइयों काफ़ी हैवी मशीन है, और अगर हम बात करें रेट की, तो किसान भाइयों इस मशीन के जो रेट हैं, विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स वालों के जो रेट हैं वो रेट काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, जो रेट हैं वो काफ़ी शानदार रेट हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपका और मान सम्मान कर दिया जाएगा, कुछ आपके रेट कम कर दिए जाएंगे अगर आप यहाँ आकर इस मशीन को ख़रीदते हैं, या आप फ़ोन पे भी बात करते हैं, आप एक किसान हैं आप बात करते हैं तो आपको रेट थोड़े कम कर दिए जाएंगे क्योंकि अभी इस पर ऑफर चला हुआ है। तो किसान भाइयों आज हमने आपको बलवान मॉडल दिखाया विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स वालों का, जो कि भारत सरकार द्वारा 50% सब्सिडी से पास है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।